हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है यासिर फान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, द लास्ट ऑफ अस पार्ट टू रीमास्टर्ड प्लेस्टेशन 5 एडिशन के एक ब्रांड न्यू चैप्टर के साथ मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं। आज के चैप्टर का नाम है ग्राउंड जीरो। मेन चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7 सिएटल डे 2 और सब चैप्टर का नाम है ग्राउंड जीरो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेंथी वीडियो होने की वजह से इसको भी हम दो पार्ट में करेंगे। आज हम इसका देखेंगे ग्राउंड जीरो का पार्ट 1। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल माय न्यू वीडियोस थ्रू नोटिफिकेशन। और एक छोटी सी चीज ऐड करता चलूं कि इंडिया से मुझे बहुत सारा प्यार कमेंट्स और लाइक्स की सूरत में मिलता रहता है, तो इंडियन फैंस के लिए लव यू हो गया। ओके, लास्ट चैप्टर में हमें आइजक ने हथकड़ियां लगवा दी थी। जब भाई साहब है मेरे कहते नहीं कि आई इन आप ही संभाल लो, इन फाड़ के बंदर बना के मेरे को लेके आओ। आइजक इसके चीफ क्या नाम ले रहा हूं, नोरा। I never thought I'd see you on Isaac's bad side. कैरी, मुझे यकीन नहीं था कि आइजक के नेगेटिव कैरेक्टर्स में या आइजक की नेगेटिव बुक्स में भी तू शामिल हो जाएगी। I need some medical supplies. Why? What happened to him? Compartment syndrome. Bashed forearm. You're not treating him, are you? Mel, we don't have a lot of time. Jesus. Most of these supplies have been packed and shipped already. What? We haven't cleared out the lower floors yet. Would they have what I need? Yeah, probably, but it's rough down there. I'll be fine. You get caught. I had nothing to do with this. Of course. अगर तुम पकड़ी गई तो मेरा कोई लेना देना नहीं तेरे साथ। Time to go. Fuck. Yeah. Boy's lucky he's dating a doctor. Mel doing okay? Fine. She was so fucked up after Isaac talked to her. Isaac talked to her? After he found out you left base, Isaac interrogated all of us. He was rough on her. Did anyone talk? No. Nora! Where are you two going? To grab Abby. Boat's ready to head out. Well, I still got boxes on the third floor. Can you two bring them first? Boat's pretty full. Come on, I don't want to be here all day. Fine. Thanks. They're gone. लो जी, भाई साहब उनको आरे लगा दिया इसने कि तू खिसकेंतरू हो जाए, जैसे शूटर मीटर होके खिसकेंतरू। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। हम इनकाउंटर होते हैं उनके साथ या सैडो सैड ही निकल जाएंगे। So what's Owen's plan once? Hold up. All clear. So what's Owen's plan once Mel gets that arm off? He's been talking about Santa Barbara. He knows that's all bullshit, right? So bad for Mel. Yeah. Me too. All right. These floors have the ICU, the trauma center, and a few surgical suites. Sounds perfect. There's a reason we haven't touched this area yet. It was ground zero for the whole city, where they brought the first infected before anyone knew better. It's gonna be overgrown to shit. Awesome. Awesome, man. नहीं कह जी, जो सबसे पहले इन्फेक्टेड थे ना वो यहाँ पे ला के रखे थे हमने इस ग्राउंड जीरो में। तो ये वाली जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम हो सकती है, यानी कि सबसे बड़ा ज़ॉम्बीज अभी तक का गेम का वो आपको यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि जो सबसे पुराने इन्फेक्टेड थे वो इस ग्राउंड जीरो में ला के रखे गए थे।
और मैंने भी इस चैप्टर के बारे में यही सुना है कि जो कोई रैट किंग नाम का जो सबसे बड़ा एनिमी और सबसे बड़ा बॉस है ना, वो इसी चैप्टर में है लास्ट ऑफ अस 2 का। मैं भी शायद आगे और भी बड़े हों, लेकिन अभी तक जितनी हम गेम ये खेल चुके हैं उसमें सबसे बड़ा जो एनिमी है वो हमें इस चैप्टर में मिलने वाला। लेट्स सी वो पार्ट 1 में मिलता है या पार्ट 2 में मिलता है। आई होप कि पार्ट 1 हमारा लूट के ऊपर ही कंसिस्टेंसी उसकी होगी, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कहेंगे क्या कहेंगे, पुट्ठी सीधी इंग्लिश बोली जा रहे हैं। सारे हमारे हो गए हैं, सिर्फ ये 2-3 रह गए हैं। अच्छा जी, मुश्तमिल होगा, उर्दू बोल लेते हैं हम। तो आई होप के पार्ट 1 जो है वो सिर्फ लूट वाले पोर्शन पे मुश्तमिल होगा, बाकी जो मेन फाइट होगी वो जाके आगे आएगी। Okay. Surgery, trauma, ICU. Surgery, trauma, ICU. Let's do this. ओके, लेख हिल सेटल हॉस्पिटल भाई साहब। दिस डजंट लुक सो बैड। तो भाई चूंकि सबसे पुराने ज़ॉम्बीज हमें यहीं पे ग्राउंड जीरो में हमने ला के रखे हैं और ये एरिया अभी तक क्लियर नहीं किया गया, तो यहाँ पे बहुत सारी सप्लाईज स्टिल पड़ी होंगी। हमने वहां से वो वाली सप्लाईज उठानी है जो हमें सर्जरी में काम आ सके, 11 की, जिसकी सर्जरी मैल कर रही है। और इसने नोरा को ये बताया कि ये जो ओके इसने जो है वो उसको ये बताया है कि जो ओवन है वो ओवन साहब जो है वो इन्फेक्टेड है, बेसिकली इन्फेक्टेड नहीं वो इंजर्ड है बेसिकली, पहले लूट फाड़ ली, हाँ वो इंजर्ड है और ये सप्लाईज मुझे ओवन को ठीक करने के लिए चाहिए जो जिसकी सर्जरी मैल कर रही है। उसने कहा, नोरा ने पूछा इससे कि क्या तुम ओवन की सर्जरी तो नहीं कर रही, कह रहा नहीं मैल कर रही। तो वो कह रहा है कि नोरा पूछ रही थी कि ओवन का जो सीन है वो क्या चाह रहा है। उसने कहा जी वो वही सेंटा बाटा, जो भी एरिया का नाम है सेंटा बाटा, उसमें जाना चाह रहा है कि उसके बकोल वहाँ पे सुकून माहौल तो मिठे चोल हैं, वहाँ पे कोई जॉम्बीज नहीं है। बाकी लेट्स ही देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी तक तो यही है कि लूट शूट ही मिल रही है हमें, बाकी जितना कोई इन्होंने एमओ पकड़ा दिया है मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा ज़ॉम्बी वाकई हमें यहीं पे ही मिलेगा। बहुत ज्यादा ही लंबी गेम थी यार ये, बहुत ज्यादा मतलब अभी तक मैंने सबसे जो बड़ी गेम खेली है ना 40 चैप्टर्स थे तकरीबन, 40-42 चैप्टर थे उसके हॉगवर्ड लेगेसी के, वो भी चैनल पे पड़ी हुई है। तो लेकिन ये तो उससे भी आगे है, 40 के करीब तो हम इसके वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हुए हैं। लेट्स सी आगे और कितने बनते हैं। अभी आई थिंक सो 6-8 चैप्टर अभी रहते हैं। चले जी, मास्क हमने ले लिया है, ये सूट भी पहनेंगे, नहीं सूट नहीं पहनेंगे, मास्क हमने पहन लिया। इट्स मीन कि अब एक्चुअल में ग्राउंड जीरो का एरिया स्टार्ट होने जा रहा है। ये चेक कर रहे हैं ना आप, वो मट्टी मट्टी धुआं धुआं सा, वो यहाँ पे तो ऐसी शीटें बिछाई हुई हैं जैसे रेडिएशन से बचने के लिए नहीं बिछाई जाती, एक्सरे टाइप शीटें, कुशन हर जगह पे लिखा हुआ। चेक करें जरा उसका फेस, चेक करें कैसे अलहदा पड़ा हुआ है, और बहुत ही नैश लग रहा है। हमारा मेन मकसद इस पार्ट 1 में ज्यादा से ज्यादा लूट इकट्ठी करना ताकि कोई बड़ा ज़ॉम्बी वाकया में मिल ही जाता है। ओह कुछ मिला तो है, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा बेटा, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। कुछ तो क्राफ्ट हुआ, ये कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये सारे हो गए हैं और ये एक रह गया। 20 कैप्सूल हमारे पास हैं, 50 चाहिए मेरे ख्याल से।
आग वाली बंदूक के लिए भी एमओ मिल गया भाई। ये यहाँ से तो हम जाएंगे ही जाएंगे, मैं ज़रा दूसरा एरिया भी एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। ये वाला, ये भी दरवाज़ा जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ये यहाँ से देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे, यहाँ से तो हम आए थे, तो चलें ठीक है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं, पहली है ये जो कि लॉक्ड है, ट्रॉमा सेंटर। ओए ये क्या, व्हाट द फक इज दैट मैन, तोला को वड्डा ही है चौधरी। ओ ये तो सारे पावर इलेक्टेड हैं, ये तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं से जनरेटर ऑन करना पड़ेगा हमें। नीड पावर, इतनी तो गेम की समझ आ गई हमें। नीड्स पावर लिखा भी आ गया। ओके अब रास्ता कहाँ से है, चलो साइड पे आने का कोई तो फायदा हुआ। काफ़ी सारे तो हैं लेकिन सारे रास्ते तो ब्लॉक है, दरवाजे तो सारे जनरेटर वाइज इलेक्ट्रिक पावर वाले हैं, तो सारे तो रास्ते बंद हैं, तो हम जाएंगे कैसे उस साइड पे? पहले हमें जनरेटर का रूम ढूंढना पड़ेगा। ओ खाला स्कीना नज़र आ रही मुझे। ठहर जाओ बचे, हमारे पास माली वेपन भी नहीं है यार। आ जा बेटा ग्रैब हो जाओ। तो ये जो दीवार में छुपे होते हैं ना, इधर तो कोई भी नहीं है। ओके वो सामने ऊपर है रास्ता जाने के लिए, लूट शूट देख लें रूम में कितनी है, फिर उसके बाद जाते हैं। चलो जी ये सामने, अब चले ऊपर। नीड्स पावर, हर जगह पे नीड्स पावर ही आ रहा है। जनरेटर मिल जाए यार, कितने में तू, वैसे भी बहुत नेरा हुआ भाई। ये ऊपर चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, वो सामने है भाई। किधर जाना है अब, रास्ता बता दो हमें। ओके मिल गया, मिल गया जनरेटर भी मिल गया। ओए यार मिस हो गया। चलो 1 2 3 चलो बाबा सारा असला मिल गया बाबा सारा। चलो वे टाइम टू ऑन द लाइट्स।
सारे दरवाजे अब काम करेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी गन्स की सेटिंग मैटिंग भी कर लें थोड़ी सी। आज आपको गन्स अपग्रेड करना भी सिखाते हैं। ये देखें जहाँ जहाँ पे सेटिंग्स के साइन आ रहे हैं उनको आपने बस सेटमेट कर लेना। मुझे ये लगता है ये सबसे काम आएगी ये वाली गन यहाँ पे, क्योंकि जितने भी एनिमी हैं वो बड़े हैवी किस्म के होने वाले हैं, तो शॉर्ट गन बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे इसको टक टक करके अपग्रेड कर लें। अच्छा, अपग्रेड का जो प्रोसेस है ना वो भी बड़े ही रियल दिखाया, चेक करें, वो जेन्युइन लगता है कि जैसे वाकई गन अपग्रेड कर रही। स्पेशली ये पिस्टल मैं आपको दिखाता हूँ, जब पिस्टल कोई भी अपग्रेड करती है उसने देखो बकायदा उसका वो आगे से लकड़ी का उतारेगी ऐसे पेचकस के साथ उतारा है उसने, स्क्रू ड्राइवर के साथ। ये चेक करें, ये उतर गया ये, और बेहतरीन किस्म का यस कमांडो वाला उसने नया लगा दिया। ऐसा रियल अपग्रेड दिखाया। तो भाई साहब ग्राउंड जीरो का पार्ट वन होता है यहीं पे खत्म। मी अज़र इरफान काजी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। लव यू गया।